बसना विकास खंड के वनांचल क्षेत्र में स्थित इस गांव में लोग आज भी स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी के दिनों में तालाब सूख चुके हैं, पानी के लिए यहां की महिलाओं को दूर तक जाना पड़ रहा है, जबकि इस गांव में करीब एक वर्ष पूर्व नल जल योजना के तहत पाइप बिछा दिया गया था। यह तस्वीर है बसना विकास खंड के पुरुषोत्तमपुर पंचायत के आश्रित ग्राम की, जहां हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए कार्य को आधा अधूरा छोड़कर इतिश्री कर लिया गया है और इस बात से जिम्मेदार बेखबर हैं। साल भर पहले जब इस गांव में खुदाई कर पाइप बिछाया जा रहा था तो गांव के लोगों को जल्द ही घरों में नल से पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पाइप बिछाए जाने के साल भर बाद भी नल से पानी नहीं मिलने पर ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यह समस्या केवल एक गांव की नहीं है, ऐसे कई गांव क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे जहां नल जल योजना में भरपूर लापरवाही बरती गई है। यह योजना बस कागजों तक सीमित रह गई है, या फिर कहें योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पाइप बिछाकर अब तक पानी नहीं शुरू किया जाना अनेक प्रकार के संदेहों को जन्म देता है। कहीं गुणवत्ताहीन कार्य कर ठेकेदार अपने जेब भरने में तो नहीं लगे हैं, या फिर पानी शुरू होते ही घर पहुंचने की बजाय यह सड़कों पर बहने ना लगे। कितना दूर ले पानी लाना तो कितना दूर है यहाँ ले? अच्छा, कहाँ ले के आया था तू पानी ला? कहाँ है बोरिंग ले आया था, मैं कहाँ ले आनी हूँ? कितना दूर है यहाँ ले? किसका करी होता? अब किधर यहाँ ले नहीं आनी होता? मरमो का अलग खा बुकी को कहाँ ना समारू समारू लाल कौन गाँव के हो? पुरुषोत्तमपुर के आश्रित ग्राम है। हाँ। तो यहाँ ले पुरुषोत्तमपुर कितना दूर है? मान 3 किलोमीटर हो जाए बर आने का छाड़। 3 किलोमीटर है। हाँ, ये बस छाड़ जाले भाई। तो अभी जैसे गर्मी के समस्या है, मतलब गर्मी के महीना है, तो पानी के का समस्या आते तुम्हारे गांव में? अभी कहते हुए नुहाए बार गलत तकलीफ है, खाए बार तकलीफ है निगा। तुम्हारे गाँव में केठी तालाब है? यहाँ कहीं देखा तो आए तीसरा देख कर दोनों डबरी सुखा गई। सुखा गए तीनों डबरी ऊपर रंग है था। तो अभी पानी की व्यवस्था किसने कर था तुमन? बोरिंग और चुआ चुई करके बना था। चुआ चुई करके है? तो कैसे साफ पानी आते हैं उमें? तो साफ नहीं आएगा, बोरिंग में ठहरती छज्जों को जाता है ये खाए बस साफ पानी था गंदा किया नहीं। तो अब क्या क्या सुविधा हुई? रोड के असुविधा है हमारा, पानी की ज्यादा रोड और पानी की असुविधा। तो जैसे रोड के असुविधाएं कहते हो तो क्या क्या परेशानी होते है रोड जैसे नहीं है तो? अब बरसात में जाना ना नहीं बनेगा, गाड़ी घोड़ा रंग रंग के जाव लगते मैं रोड में संभाली करा और बाद फिर चलता ना फाल। अच्छा, और जैसे अभी तुमन बतात रहो कि बरसात के दिन में तुम मतलब राशन लेबर जाना है? हाँ, तो राशन लेबर जाना है देवान डिपा। हाँ, पड़ते वहाँ ले अब यहाँ ले 3-6 किलोमीटर समझो ऐसे घूम के जाथन। तो यहाँ जब सोनवाली सोनवाली से जमी से जम रहा और बाद फिर पुरुषोत्तमपुर। तो मतलब यहाँ के मुख्य समस्या जो है अभी खाली सड़क और पानी के है। हाँ, ज्यादा। तो ये जो पानी की जो समस्या भी आते है एक बार तुमन कोई ला कुछ कह रहे हो कि कहा थन गा? हाँ, हो कर थे हो तो नहीं कर दे। जैसे कि अभी हम देखा थन कि तुम्हारे गांव में यहाँ ये जो नल जल के पाइप हर कोड़ाए है। हाँ। तो ये नल जल में तुम्हारे गाँव में अभी तक पानी नहीं आते? नहीं आए, नहीं आए। पानी टंकी खुदाई नहीं हुई से? नल भर गड़िया देगा, नल भर गड़िया देगा गली में। अच्छा, इकर पहले अगर पिछले साल की बात करबो तो पूर्व विधायक रहीन किस्मत लाल नंद। हाँ। वो भी गांव में आ रही थी, वो भी आ रही खुद आ रही। तो पानी वानी की व्यवस्था करूं ऐसे कुछ वादा करे? हाँ, तो कर रही बात का समस्या के समाधान है? सड़क ला कह रही से। हाँ, सड़क के बनते हुए मैं रोड तक ढलाई कर दी हूं। रोड बनी है, कार रोड बनी है, इसका तो मैं जानते हैं। अभी कुछ पता नहीं चली गया बात तो बस चुपचाप हो गए। तो मतलब पानी के मुख्य समस्या है? हाँ, पानी की। अच्छा, पानी को लेके पंचायत की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था कर रहे पंचायत तरफ? नहीं, अभी और कुछ नहीं हुई सी। तो पिछले जो कार्यकाल है सरपंच हुई 3-4 साल ले। हाँ। तो 3-4 साल ले अभी तक तुम्हारे गांव में पानी पर कुछ करी से? नहीं करे अभी का, कुछ नहीं करे है। तो तुमन का चाहत हो कुछ पानी के समस्या? हाँ, पानी समस्या हमारा चाहिएगा। तो ये गाँव में कितना जनसंख्या है? गाँव में वो ये हाँ उसने कहा 35 घर के। हाँ, 35 घर के। हाँ। और सब मुंडा जनजाति? मुंडा मुंडा। हाँ, तो तुम्हारे जनजाति के मन ये क्षेत्र में आओ रहते हैं कि खाली? हाँ है ना,
सांगरा को पार है, इधर लम्बर के आसपास में है, इधर केलवाड़ डिपा में है, यहाँ के सिमनाए पुरुषमपुर के सगा भाई मन है, और सारंगढ़ एरिया में है, रायगढ़ एरिया में है, ये झलप सही ढंग है, खल्लारी साइड में है।